Don't read success stories. You will only get a message. Read failure stories. You will get some ideas to get success. Good morning, friends. Currency Daily Analysis पे आप सभी का स्वागत है. आज है 24th January 2023. आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में करेंसी मार्केट पे क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है. डॉलर इंडेक्स कल एक डोजी फॉर्मेशन आया है. नाउ एट 101.95 कंसोलिडेशन चालू है. मार्केट में अभी मेजर कोई लीड नहीं है. एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर 1st of February एफओएमसी रेट डिसीजंस. तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, क्या कॉन्फर्मेशन हमें मिलेंगे, उसके लिए इंतजार है. डॉलर रुपी कल एक अच्छा खासा बाईबैक हुआ है फ्रॉम 80.95, 81.10 लेवल से. इनविजिबल हैंड्स बॉट गुड अमाउंट ऑफ डॉलर्स. देयर वे सपोर्टिंग द डॉलर फ्रॉम फर्दर डिप्रिसिएशंस, बिकॉज ऑफ विच ये आपका अपने इंडियन मार्केट में जो क्लोज हुआ है वो है 81.3950. अभी ये 81.46 में चल रहा है. व्हाट इट सिग्निफाइज, सम सॉर्ट ऑफ, अगर आप प्राइस एक्शंस देखोगे आउटसाइड इनसाइड बॉलिंजर बैंड, दैट मीन द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि दोबारा ये 81.90 के तरफ जाए. सो हमें देखना पड़ेगा. इनविजिबल हैंड्स केप्ट ऑन कीप ऑन बाइंग ऑन नॉट. जीबीपी डॉलर 1.2380 ये रेजिस्टेंस लेवल पे थोड़ा सा आपका मीन्स एक हेजिटेशंस हो रहा है मीन्स ब्रेकआउट करने के लिए. इसके लिए आप देखोगे कल का जो प्राइस एक्शन है वो एक डोजी कैंडल है. उससे पहले भी एक छोटा सा स्मॉल बॉडी कैंडल था. इसको ब्रेक करना जरूरी है अगर इस प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है. तो वीकली आप देखो टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60. सो थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा. एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है रेजिस्टेंस मिलने का बिफोर ब्रेकिंग आउट. सो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शंस के ऊपर नज़र रहेगा. जीबीपी आईएनआर 100.87 ये भी रेजिस्टेंस ले रहा है आरएसआई 60 पे. दैट बीइंग द केस हमें इंतजार होगा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन के लिए, तभी एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूरो डॉलर 1.0875 यहाँ पर भी कल एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है. दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे प्रीवियसली हम इंतजार कर रहे थे 1.0740 के आसपास बाउंस बैक करके उसके बाद ऊपर जाएगा, लेकिन ये आपका 1.0790 पे ही सपोर्ट लेके ऊपर गया है. सो इमीडिएटली बाई नहीं करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है. यूरो आईएनआर ये एक रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है. दैट बीइंग द केस आपको इस रेजिस्टेंस को अगर रेस्पेक्ट करता है तो थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 86.80 की तरफ. एल्स हमें थोड़ा सा अगेन अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट देखने के लिए तैयार होना पड़ेगा. बट इमीडिएटली इट हैज़ टू ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस लाइन. डॉलर येन 130.35 यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है. अगर यहाँ इस जगह पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है समथिंग लाइक दिस एंड उसके बाद एक पॉजिटिव फॉलो थ्रू देता है इन सच ए केस, हम यहाँ पे एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो हमें इंतजार रहेगा ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ब्रेक आउट करने के लिए ऊपर की तरफ. येन आईएनआर पे ये ब्रेक दिया हुआ है लेकिन जो साइज ऑफ द कैंडल है बहुत ही छोटा कैंडल है. हमें बेसिकली एक बड़ी कैंडल के लिए ब्रेक
मीन्स बिग कैंडल ब्रेकिंग डाउन दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें इंतजार रहेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ गुड सेलिंग मोमेंटम। डॉलर कैन बी 1.3362, ऊपर में रेजिस्टेंस 1.35 से 1.3530, नीचे अभी 1.3320 से 30 के तरफ एक सपोर्ट है। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा जो काफ़ी पहले का इंतजार है 1.3230 वहाँ पे आने का हायर प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए 1.3320 ब्रेक डाउन करना पड़ेगा नीचे की तरफ। ऑसी डॉलर 0.7034 डेली में ये रेजिस्टेंस को तोड़ के RSI रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, बट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बैंड है डेट इज 0.7050 से 0.7125, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। क्या ये बहुत आसानी से इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है या नहीं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। दैट मीन द केस यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप किया हुआ है दे कैन ट्रेल देयर पोजिशन, लेकिन फ्रेश यहाँ पे बाई नहीं करना है। बाई करना है तो इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ही बाई करना सजेस्टेबल है। CNH कंसोलिडेटिंग एट 6.7770, ये जो जोन है इसके ऊपर ही हमें कुछ अच्छा खासा बाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो लेकिन क्या करेगा या नहीं करेगा ये आने वाले दिनों में हमें देखना है। ब्रांड क्रूड अभी है 88.24, जो हमारा इमीडिएट टारगेट था 89.90 से 90.00, उसका ऑलमोस्ट नज़दीक आ चुका है, तो करंट लेवल पे बाई नहीं करना है बिकॉज इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है। बाई डिप्स में बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। US 10-year ट्रेजरी आपका है 3.513, मार्केट वेटिंग फॉर 1st of February FOMC rate decisions, तब तक यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन होकर बाउंस कर रहा है, अभी इंतजार है ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके कन्विंसिंगली ऊपर जाने के लिए। अगर ऊपर क्लोज दे देता है देन हम एक अपवर्ड बायस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये होगा या नहीं होगा प्राइस एक्शन के साथ हमें इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस मीन्स थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। आई थिंक ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।